फिल्म प्यार का पंचनामा से डेब्यू करने वाले कार्तिक आर्यन आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था, लेकिन अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए वो मुंबई आए। कार्तिक ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। कार्तिक आर्यन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना काफी मुश्किलों भरा था। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें स्टूडियो के बाहर से ही रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कड़ी मेहनत से अपना मुस्तकबिल खुद तैयार किया। आज कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में एक नई पहचान है। उनका स्टारडम देखकर कोई सोच नहीं सकता कि ग्वालियर की गलियों से निकला कोई शख्स आज बॉलीवुड की नई पीढ़ी का सरताज बन गया है। कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके पास पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया। वो ग्रुप फोटोज में से अपना चेहरा काट के एजेंट को भेजा करते थे, यहाँ तक कि वो कॉलेज बंक करके ऑडिशन देने जाते थे। पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन के बॉलीवुड में कार्तिक ने कुछ ही सालों में अच्छा खासा नाम कमा लिया। एक के बाद एक हिट फिल्में देखकर कार्तिक ने इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया है। कार्तिक को पहला ब्रेक एक एड फिल्म में मिला था। एड फिल्म के बाद करीब 2.5 साल कार्तिक आर्यन ने संघर्ष किया, जिसके बाद साल 2011 में उन्हें पहला ब्रेक लव रंजन की फिल्म प्यार का पंचनामा में मिला। इस फिल्म में कार्तिक के काम को दर्शकों ने खूब सराहा। हालांकि फिल्म में उनके साथ दो एक्टर थे, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद कार्तिक ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। इसके बाद रिलीज उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन कार्तिक ने फ्लॉप होती फिल्मों से हार नहीं मानी और लगातार काम करते रहे। साल 2018 में आई फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी ने कार्तिक के फ्लॉप करियर को नई दिशा दी और वो बिना फिल्म बेस के भी अपनी जगह बॉलीवुड में बनाने में कामयाब रहे। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कार्तिक आर्यन ने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर देखने के बाद एक्टिंग में करियर बनाने की ठानी और मुंबई चले आए। करियर के शुरुआती दौर में कार्तिक अंधेरी के एक फ्लैट में 12 लड़कों के साथ रहा करते थे। एक्टर बनने के बाद साल 2019 में कार्तिक ने उसी फ्लैट को करीब 1.6 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। 2011 में उन्होंने फिल्म प्यार का पंचनामा से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद फिल्म आकाशवाणी, कांची, प्यार का पंचनामा 2, गेस्ट इन लंदन, सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छिपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल, धमाका, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।